अब अगले क्रम में आरती को बुलाते हैं सिद्धाश्रम से। गुरुवर का आशीर्वाद भी साहब अजब काम करता है। दो महिलाएं सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके बाहर निकली। चलो बोले मूल ध्वज की परिक्रमा करने चलते हैं। बोले बहन तुमने गुरुवर से क्या कहा? बोले गुरुवर से जब मिले थे तो गुरुवर से कहा गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। तो बोले गुरुजी ने क्या कहा? बोले गुरुजी ने कहा शक्ति जल का सेवन करना, माँ का चालीसा कराओ, घर में ध्वज लगाओ, इससे लाभ मिलेगा। बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने तो गुरुवर से कहा गुरुजी मैं बहुत से परेशान हूँ, गुरुजी ने कहा शक्ति जल का सेवन करना, दुर्गा चालीसा का पाठ कराओ, माँ का ध्वज लगाओ। बोले ये पता नहीं कि गुरुवर जी ने ऐसा भी कहा आपके लिए और हमारे लिए भी ऐसा कहा। एक तीसरी बहन वहाँ आई, बोले भैया यही तो गुरुवर की कृपा है, एक दवा सब पर काम करती है, भरोसा करके तो देखो डूबती नैया भी पार करती है। आए आरती। बोलिए माता दि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परम हंस योगी राशि शक्ति सतदेव भगवान की, आपकी चेतना से अब मेरा सिंगार। हो
शास्त्रीय संगीत को ले में बांध करके आरोह अवरोह में ऊपर जाना, फिर नीचे उसी जगह पर आ जाना जहाँ से आपने गीत प्रस्तुत किया। अच्छे अच्छे गायक भी भटक जाते हैं, क्योंकि जब नए लोग बैठे हुए हों हारमोनियम बजाने वाले एवं साज ढोलक तबला, इन्हें पता नहीं होता कि आप कहाँ से गीत प्रारंभ करेंगे, अंतरा कहाँ जाएगा, कहाँ से लौट के कहाँ पर आएंगे आप। लेकिन तुमने जो गीत गाया, आप तालियों के हकदार हैं, भविष्य में आपको अवश्य मौका मिलेगा। मुझे भी बार बार लग रहा था कि यह गीत कैसे गा पाएगी, क्योंकि परिचित हूँ, जानता हूँ ना, जिसे बोलना भी कम आता है, कम बात करती है, वह गीत कैसे गा सकेगी। लेकिन अचंभित कर दिया आपने इस गीत को, साथी संगीत में बने गीत को, और उन नए लोगों जो साज बजा रहे थे, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप सिद्धाश्रम की ऊर्जा को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ सकें।